आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हरिद्वार से दिल्ली की जो यात्रा शुरू की वो अब रुड़की पहुंच चुका है। वहां उन्होंने पत्रकारों से संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बात कही कि वो चाहते तो अपने साथ हिंदू कार्यकर्ताओं को भी ले सकते थे, लेकिन वो नहीं लेकर जा रहे कि हमारी यात्रा कई मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरेगी जहां हमारे ऊपर हमले भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस जिहादियों और वोट के भिखारी नेताओं के दबाव में हमारे लोगों को ही जेल में डाल देगी। ये पूरा मामला जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई को लेकर है। उनको लेकर कहा कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो किया है वो कोई पिछले 1400 साल में नहीं कर पाया और उन्होंने अपने जीवन को दांव सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए लगाई है, इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनके लिए अंतिम सांस तक लड़े। इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि 8 दिनों तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और गांधी समाधि के सामने अनशन करेंगे जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को रिहा नहीं कर दिया जाता। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक सरकार एक मामूली धारा में जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि नहीं वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जबकि हरिद्वार में उनके खिलाफ मामला चल रहा है, उनको जमानत नहीं दी जा रही, तारीख पर तारीख मिल रहा है, तो क्या एक महज संजोग है या किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा? एक बूढ़ा संत वो काम कर रहा है जो कि सरकारों को करना चाहिए। बात होती है मास्टर स्ट्रोकवादियों की, तो ये मास्टर स्ट्रोकवादी किस तरह का भविष्य चाहते हैं और क्या बड़ा होने वाला है? जिनके खिलाफ ये आग उगलते हैं उन्हीं को सिस्टम में भरा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक के नाम पर उन्हें पाला पोसा जा रहा है, उनके सामने झुका जा रहा है, उन्हीं के एजेंडा पर काम हो रहा है, उसके बावजूद भी मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, तो इसका भविष्य क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या कोई एक पागल कुत्ता हो और वो लगातार किसी को काट रहा हो, इसको सबसा ना ले? आप इस तर्क के साथ उस कुत्ते के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, सख्ती ना बरते, उसको पकड़े ना, उसको मारे ना, कि अगर हमने इसको काबू में किया तो जो बाकी कुत्ते हैं वो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, तो क्या वो काट रहा है तो उसको काटने दिया जाए? इसका मतलब तो यही हो रहा है, इसका अंत कहां है? जो सवाल मैं हमेशा से पूछता रहा हूं कि इसका अंत क्या है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे इन्हें डीरेडिकलाइज किया जा रहा हो, ऊपर से पोषित और किया जा रहा है, जिस चीज के लिए इन्हें पैसा दिया जाता है वहां सरकार की हिम्मत नहीं कि सीसीटीवी कैमरा भी लगवा पाए, जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है उस चीज के नाम पर कौन सी एक्टिविटी चल रही है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है तो बहा रही है, यही मास्टर स्ट्रोक है और इसको आप गिनते रहे। बाकी जो सच बताए उसको आप जरूर गाली दें, लेकिन जो आपके खिलाफ साजिश करे उसमें आप मास्टर स्ट्रोक जरूर ढूंढते रहे। जो आपके खिलाफ इतना षड्यंत्र चल रहा है उसमें कोई साजिश नहीं है, लेकिन बताने वाला जरूर साजिश कर रहा है, तो धन्य है ऐसे लोगों का दिमाग और धन्य है वो मास्टर स्ट्रोक, और इस मास्टर स्ट्रोक का भविष्य वही है गोल्ड टोपी जिसका जिक्र मैं हमेशा से करता आया हूं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।